एसडीएम के प्यार में नप गए मनीष दुबे, पाए गए दोषी। 24 घंटे में जाएगी नौकरी, बाबा ने लगा दिया नंबर। मनीष दुबे का असली सच आ गया सामने, नए खुलासे से मच गया हड़कंप। मनीष की पत्नी ने जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आलोक मौर्य को मिल गया इंसाफ, बाबा अब नहीं करेंगे ज्योति मौर्य को माफ। आसिक और एसडीएम की जाएगी अब नौकरी। इस खबर के पूरे तह तक जाएंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली कुछ ऐसे ही देश दुनिया के बारे में ताजा खबर आते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ हुई शिकायतों की जाँच की रिपोर्ट सोमवार को डीजी विजय कुमार मौर्य को सौंप दी गयी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सौंपी गयी, मनीष दुबे के हाथ पाँव फूल गए। उन्हें अब हर वक्त यही डर सताने लगा है कि कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि जो आरोप उन पे लगाए गए थे वो तो कुछ नहीं है। आज रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि जिसे सुनने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि मनीष दुबे ने उनका घर बर्बाद कर दिया, उनकी वजह से उनकी सारी खुशियां खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच मनीष दुबे की एक और ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़े कि अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहां फंस गया। उनका ये ऑडियो वायरल हो ही रहा था कि तभी उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के रिपोर्ट भी सामने आ गए, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस मामले में सीधे तौर पे मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। यही वजह है कि उनकी नौकरी अब कभी भी जा सकती है। जो रिपोर्ट आई है उनमें तीन मामलों का जिक्र किया गया है। पहले में है ज्योति के पति आलोक मौर्य के लगाए गए आरोपों हैं, जिसमें ये पाया गया है कि मनीष दुबे ने विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की। जबकि दूसरे मामले में ये बात सामने आई थी कि मनीष दुबे ने एक महिला गार्ड से अकेले में मिलने की बात कहा था, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसे ड्यूटी से हटा दिया गया। जबकि तीसरा आरोप सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बता दें कि मनीष दुबे ने लव मैरिज की थी, लेकिन उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाया है कि मनीष दुबे अभी भी उनसे लाखों रुपए का दहेज मांग रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो मनीष दुबे अच्छी खासी सैलरी पाते हैं, उन्होंने अपनी बीवी से ही दहेज की मांग कर ली। प्रशासन में बैठे मनीष दुबे अगर इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ पेश आ रहे होंगे तो फिर बाकी जनता का क्या हाल होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उनमें एक बात तो साफ हो गई कि मनीष दुबे कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल कर रहे थे। यही कुछ दिनों पहले मनीष दुबे की पत्नी का कुछ ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी एक अधिकारी से बात करते सुनाई पड़ रही थी। खबर के अनुसार जो ऑडियो वायरल हुआ था उस पे मनीष दुबे के कैरेक्टर पे ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि मनीष की और कुछ महिलाओं से संबंध है, लेकिन रिपोर्ट में इस बात की करीब करीब पुष्टि भी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने कि जो रिपोर्ट मनीष दुबे के खिलाफ सामने आई है उनमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जो मनीष दुबे पे आरोप लगे थे तो उनका ट्रांसफर गाजियाबाद से दूसरे जगह पे कर दिया गया था। तब शायद मनीष दुबे को यही लग रहा होगा कि अब उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी और वो बाल बाल बच जाएंगे। लेकिन अब जब बड़ा खेल हो गया है तो अब उन्हें एक ही बात सता रही होगी कि कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है। इस मामले में अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ अब कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट में मनीष दोषी पाए गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि मनीष दुबे पे योगी सरकार की क्या एक्शन होती है। लेकिन फिलहाल मनीष दुबे ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दे रखी है और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पत्नी अब जल्द उन्हें तलाक दे दे। मनीष दुबे को तलाक मिले या ना मिले, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से मनीष दुबे के लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।